बरेली में जेपी नड्डा का डोर टू डोर कैंपेन। शाहजहांपुर में कहा, सपा सरकार में मुसीबत में भी थी कानून व्यवस्था। जेपी नड्डा ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों पर निशाना साधा, कहा आधे जेल में और कुछ बेल पर। अमित शाह का शनिवार को मुजफ्फरनगर और सहारनपुर का दौरा, करेंगे डोर टू डोर कैंपेन। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का दावा, जाट पहले भी बीजेपी के थे और आगे भी रहेंगे। यूपी के लिए बीजेपी के 91 उम्मीदवारों का ऐलान। अयोध्या से वेद प्रकाश गुप्ता को टिकट दी। बहराइच से अनुपमा जायसवाल और आजमगढ़ से अखिलेश मिश्रा को टिकट। पूर्व सांसद राकेश सचान को भोगनीपुर, डुमरियागंज से राघवेंद्र प्रताप सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया। बीजेपी का सपा की लिस्ट पर निशाना, ट्वीट कर लिखा, ये उम्मीदवारों की लिस्ट या थानों में लगे हिस्ट्री शीटर्स की? अखिलेश पर हमलावर हुए सीएम योगी, वो जिन्ना के उपासक, हम सरदार पटेल के पुजारी। दंगों को लेकर योगी ने अखिलेश को घेरा, जिन्होंने मुजफ्फरनगर दंगे कराने वालों का साथ दिया, क्या वो सुरक्षा दे पाएंगे? अखिलेश के फ्री बिजली के वादे पर योगी का तंज, कहा चोरों को चांदनी अच्छी नहीं लगती। दिल्ली एयरपोर्ट के अधिकारी का बयान, अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर हाई एयर ट्रैफिक और तेल कम होने की वजह से डिले हुआ था। अखिलेश यादव ने हेलीकॉप्टर की उड़ान में देरी को बीजेपी की साजिश बताया था। अखिलेश के आरोप पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार, ना तो अखिलेश का इलेक्शन प्लान और ना हेलीकॉप्टर उड़ान भर पा रहा है। हताशा में बीजेपी पर लगा रहे हैं आरोप। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य की अखिलेश को सलाह, 11 मार्च को सफाई जाने की तैयारी करें। अखिलेश यादव ने खुद को और जयंत चौधरी को बताया किसान का बेटा, बीजेपी को हराने के लिए अन्य संकल्प की पोटली साथ लेकर चलते हैं। यूपी के गन्ना किसानों से अखिलेश का वादा, सरकार बनी तो भुगतान के लिए 15 दिन से ज्यादा का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आरएलडी चीफ जयंत चौधरी का बयान, बीजेपी की नीति है कि धार्मिक उन्माद फैले। जयंत चौधरी का आरोप, बीजेपी यूपी में असल मुद्दों की बजाय 80-20 औरंगजेब और जिन्ना करने में लगी है। यूपी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने 8 और नामों का ऐलान किया। बदायूं से रईस अहमद को बनाया उम्मीदवार, सपा ने बांदा से मंजुला सिंह, परियाली से नादिरा सुल्तान को टिकट दी, कानपुर कैंट से हसन रूमी को उम्मीदवार बनाया। पीएसपी अध्यक्ष मायावती का बीजेपी और सभा पर हमला, चुनाव को हिंदू मुस्लिम और जातीय नफरत का रंग देना चाहते हैं। यूपी चुनाव के लिए बीएसपी की नई लिस्ट आई, 8 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ। बीएसपी ने फिरोजाबाद से साजिया हसन, औरैया से गौरव सिंह को टिकट दी, कानपुर सिटी से आदित्य जायसवाल और कानपुर देहात से जुनैद खान को उतारा। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए भागीदारी परिवर्तन मोर्चा ने 12 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। एआईएमआईएम ने कन्नौज से सुनील कुमार, भदोही से रविशंकर जायसवाल को बनाया उम्मीदवार, बिजनौर से मुनीर बैग मैदान में है। यूपी चुनाव के लिए जेडीयू ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की, सीएम नीतीश का नाम गायब, नहीं करेंगे प्रचार। प्रियंका गांधी ने यूपी के युवाओं से युवा घोषणा पत्र पर चर्चा की, कहा युवाओं को रोजगार का हक मिलना चाहिए। प्रियंका गांधी ने कहा अगर यूपी में कांग्रेस की सरकार बनी तो विशेष भर्ती आयोग का गठन किया जाएगा। यूपी में एमएलसी चुनाव का ऐलान, 3 दर्जन सीटों पर 3 और 7 मार्च को चुनाव होगा, 12 मार्च को रिजल्ट आएंगे। अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने अमृतसर ईस्ट से नामांकन दाखिल किया, सिद्धू के खिलाफ मैदान में मजीठिया। नामांकन दाखिल करने के बाद बोले मजीठिया, सिद्धू को अगर सीएम नहीं बनाया गया तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग का मुखिया बनने पाकिस्तान जा सकते हैं। पंजाब के सीएम फेस को लेकर रणदीप सुरजेवाला का बयान, चन्नी सीएम फेस हो या नहीं इस पर विचार चल रहा है। पंजाब से केजरीवाल का कांग्रेस अकाली पर अटैक, रेत और नशा बेचने वाले सत्ता में रहे, दोनों ने मिलकर पंजाब को लूटा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा भगवंत मान कट्टर ईमानदार है, 7 साल से सांसद है लेकिन इनके पास अपना मकान नहीं है। केजरीवाल की पंजाब की जनता से अपील, एक बार वोट देकर देखो, काम नहीं किया तो अगली बार मैं और भगवंत मान वोट मांगने नहीं आएंगे। पंजाब से सीएम चन्नी के भाई डॉक्टर मनोहर सिंह ने बस्सी पठाना से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन फाइल किया, टिकट नहीं मिलने से नाराज हैं। रुद्रप्रयाग में अमित शाह का डोर टू डोर कैंपेन, प्रचार से पहले बाबा रुद्रनाथ मंदिर में पूजा भी की। रुद्रप्रयाग से अमित शाह ने कांग्रेस को बताया फेल सरकार, का डबल इंजन सरकार देवभूमि के युवाओं को पलायन नहीं करने देगी। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने भरा नामांकन, लालकुआ सीट से चुनाव लड़ेंगे। उत्तराखंड चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 5 और उम्मीदवारों के नाम तय किए, रुद्रप्रयाग से प्यार सिंह नेगी को टिकट दी। आम आदमी पार्टी ने रुद्रपुर से नंदलाल और यमुनोत्री से मनोज झा को टिकट दी है। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया महाराष्ट्र के 12 बीजेपी विधायकों का निलंबन, असंवैधानिक करार दिया। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का निशाना, महागाड़ी सरकार तय करे जिम्मेदारी, किसके आदेश पर उठाया था असंवैधानिक कदम। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई, बीजेपी हमेशा संविधान के तहत हक की लड़ाई लड़ती आई है। बीएमसी चुनाव को लेकर कांग्रेस ने मंथन किया, शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़े या नहीं इस पर नहीं हुआ फैसला। डायरेक्ट टू होम सर्विस देने वाली टाटा स्काई का बदल गया नाम, अब टाटा प्ले के नाम से सर्विसेज मिलेंगी। टाटा प्ले के बिजनेस में अब डीटीएच सर्विस के अलावा फाइबर टू होम, ब्रॉडबैंड और विंस भी शामिल, 14 ओटीटी सर्विस भी ऑफर कर रही है कंपनी। वित्त वर्ष 2021-22 में एयू बैंक का जबरदस्त परफॉर्मेंस, तीसरे क्वार्टर में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 302 करोड़ रहा। एयू बैंक के डिपॉजिट ग्रोथ में 49% की बढ़ोतरी, बैंक के एमडी और सीईओ संजय अग्रवाल ने कहा ऑपरेटिंग एनवायरमेंट और बोरोवर्स कैश फ्लो में सुधार का फायदा मिला। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़, गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।